बाबा आप आईपॉड क्यों नहीं खरीद लेते? आपको पता है ये सारे सॉन्ग्स आप इजीली डाउनलोड करके सुन सकते हैं। अरे हटो भाई, कान में लगा के सुनना हमें नहीं अच्छा लगता, और वैसे भी समझ नहीं आता यार वो। सीखेंगे तो समझ में आएगा ना, ऐसे कैसे समझ में आएगा? बहाने ना करो, तो मेरे कैसेट शॉर्ट आउट करो ताकि मैं सुन सकूं, अंडरस्टैंड? सैम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि असद ने तुम्हें प्रपोज किया। हाँ? आपको किसने बताया? गजाला का फोन आया था, वही बता रही थी। क्या ये सच है? जी सच, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, इसलिए। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? असद अच्छा लड़का है। क्या सोच रही हो? बाबा मैं कंफ्यूज्ड हूँ। लेकिन अरे उसको बोलने दो प्लीज। हाँ बेटा, असद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं सोचा। तो अरे बेटा अब सोच लो, अच्छी फैमिली है और गजाला और मैं तो बहुत खुश हैं। हम तो शुरू से यही चाहते थे कि तुम दोनों की शादी हो। लिसन बेटा, अच्छी तरह सोच लो, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, टेक योर टाइम। लेकिन बेटा देखो, ज्यादा सोचने में वक्त मत लगाना। असद ने अपनी फैमिली में बता दिया है, और जाहिर है हमें भी जल्द से जल्द इसका जवाब देना होगा। देखो बेटा, तुम्हारे लिए ना असद बिल्कुल परफेक्ट है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। कैसी हो गए? हाँ जाओ। आए, है, उफ, इतना लंबा मुझसे नहीं चला जाता भाई। आए, ठहरो। ये जो अमल हम करवा रहे हैं, तुम संजीदा भी हो या नहीं? क्योंकि मैं देख रही थी तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। ध्यान ध्यान था ही कहां इनका? जरा जो कॉपरेट किया हो इन्होंने वहां बैठ के। पापा पता नहीं क्यों, लेकिन मैं पीर साहब के इस अमल से मुतमईन नहीं हूं। उनका मुझे देखना, इस तरह से बात करना मुझे अजीब लगता। अरे बकवास कर रही है, सारे बहाने इसके। उनकी उनकी नजर को बुरा कह रही है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तौबा है तौबा तौबा तौबा। जब डॉक्टरों ने तुम्हें जवाब दे दिया था, तो तुम्हारी गोद भराई के लिए हम ये सब अमल करवा रहे हैं, और एक तुम हो कि सवाल ही खत्म नहीं होते तुम्हारे। 2 साल हो गए बीवी तुम्हारी शादी को, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम्हारी भी गोद हरी हो, बच्चे खिलाओ तुम भी? दूसरी लड़कियों को देखा है, मां बनने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करती, और एक तुम हो कि बहाने ही नहीं खत्म होते तुम्हारे। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब हो, जो कुछ पीर साहब ने कहा है उसे वैसे ही फॉलो करना होगा। तुम्हें तो होश रहता नहीं है, मुझे याद कराना पड़ेगा। ये लो, अभी ये खा लो। क्या है? दवा है, खानी पड़ेगी, और बाद में भी मैं ही याद कराऊंगा। तुम्हें तो होता नहीं है इस चीज का ख्याल। और देखो जी, ये सब इसे ऐसे ही फॉलो करवाना, अच्छा तुम भी फॉलो करना इसको। हटो। आए। ये सब भी मुझे ही करना पड़ेगा। 2 घंटे बाद मैं फिर याद करवाऊंगी तुम्हें। अब जाओ फौरन ये खा लो।
आखिर ऐसी भी क्या बात थी, जो भी करनी थी। तुमने अम्मी को ये सब क्यों बताया? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे उन्हें वैसे ही बताना था। अपनी फैमिली से मैंने डिस्कस करना था, ये नॉर्मल सी बात है। देखो साथ मिलके डिस्कस करके ही तो आगे बढ़ेंगे ना। पर मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया सर, और इस बारे में पहले मैं खुद सोचना चाहती हूँ। लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई जस्ट नीड सम टाइम। देखो ये प्रैक्टिकल, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, वी मेक अ गुड मैच। और इस रिश्ते से हमारी दोनों फैमिलीज बहुत खुश हैं, तो सोचना क्या है। अच्छा तो तुम मुझसे इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें कोई और नहीं मिली? देखो अब तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, तुम अच्छी तरीके से जानती हो, आई रियली लाइक यू, जस्ट टेक योर टाइम, जितना सोचना है सोच लो, एंड में हमें पता है कि जवाब क्या होगा। कुछ ऑर्डर करें? नहीं। एक्सक्यूज मी, घबराओ की जाहिर से शादी के लिए है। एक बार शादी हो गई बस फिर हम माँ बेटी के अच्छे दिन शुरू। बहुत देख ली भाई गुर्बत हमने। मुन्नी पप्पू, ये क्या कर रही हैं? अरे वो नए बीज डाल रही हूँ ना, इसलिए जमीन हमवार कर रही थी। अच्छा कर रही हैं। अब्बा के जाने के बाद अब्बा के ये लगाए हुए पौधे मैं ध्यान ही नहीं कर पाती, वक्त ही नहीं मिलता। आए भैया,
ये देखो सारी क्यारी उन्हीं के हाथ की लगाई भी थी, वो गुले दाऊदी, वो ऑफिस टाइम, और वो देखो क्रोटन कैसा सूख रहा है। अरे फूफू, मैं आपको बुलाने आई थी कि आए चाय पी लें, आपके लिए चाय बनवाई है मैंने। हाँ हाँ, अब तो टी टाइम भी हो गया, चलो पानी बाद में डाल दूंगी। आपसे बात करनी थी, मुझे मुझे ये पीर साहब कुछ ठीक नहीं लगते। क्या मतलब? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनके बात करने का अंदाज अच्छा नहीं लगता। वो जिस तरह से मुझे देखते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। प्लीज आपस से बात करें ना, मैं वो आपकी जरूर सुन लेंगी, मेरी नहीं सुन रही। देखो ये सब ना तुम्हारा वहम है, ये जो पहुंचे हुए लोग होते हैं ना, इनका बात करने का अंदाज ही ऐसा होता है। इनकी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती। समझ आप नहीं रहे हैं, मैं कई बार कह चुकी हूँ, हम कहीं और चले जाएंगे ना दम के लिए, किसी और के पास चले जाएंगे, बात करके देखें, आपकी सुन लेंगी वो। आप मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं ना, तो इस मामले में मेरी बात भी नहीं सुनेंगी। और जब तुम पीर साहब के पास जाती हो ना, तो फुप्पो और आपा दोनों तुम्हारे साथ होती हैं। होते हैं लेकिन। अरे यार थोड़ा बर्दाश्त करना से, ये सब तुम्हारे मेरे लिए हो रहा है, हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है। डॉक्टर ने वैसे मेरे सारे टेस्ट कर लिए थे, कुछ आपके लिए भी लिखे थे, आप करवा लें तो बेहतर होगा। मुझे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराने, और अगर कुछ होता तो डॉक्टर पहले कह चुके हो। बताया था मुझे डॉक्टर ने। अरे क्या हो गया, बोला ना नहीं करवाने मुझे कोई टेस्ट। और पीर साहब ने भी तुम्हें सख्ती से बोला है कि ये जो अमल चल रहा है ना, इसको सही से फॉलो करो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। और बर्दाश्त कर लो ना थोड़ा सा। कुछ और कहना है तुम्हें कि मैं सो जाऊं, थका हुआ हूं मैं। सेहाम इस वक्त। हेलो। हाँ सेहाम बोलो, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बात करना चाह रही थी। सेहाम इट्स टू लेट, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं 10 बजे सो जाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्या बात करनी है बोलो। असल में
अपनी कंफ्यूजन से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना था। तुम्हारी कंफ्यूजन अभी तक है? मुझे कल अर्ली ऑफिस जाना है। We will talk about this tomorrow. It's late now. Bye. हेलो। हे सेहाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? फिट। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोलो क्या काम है? काम? हाँ बॉस, वो काम हो गया है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए आपकी गाड़ी चाहिए बस। क्या 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 मजाक कर रहा हूँ यार, यानी क्या मतलब है कि मुझे काम होगा तभी मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, वैसे कॉल नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं समझी कि शायद ज़ारा बाजी के साथ मिलकर फिर कोई संडे का प्लान बना रहे हो तो इसलिए कॉल की होगी। संडे का प्लान? तो संडे का प्लान भी बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बताओ इस मरता गेम कौन सी होगी? कैरम की गेम तो तुम बुरी तरह से हार गए थे, तो एक काम करो ना, इस बार गेम तुम डिसाइड करो ताकि तुम्हें एडवांटेज तो मिले उसका। Excuse me, तुमने और भाभी ने इतनी चीटिंग की थी इसलिए तुम लोग जीत गए थे। अच्छा, मैं और आप ही चीटिंग नहीं कर रहे थे, तुम और बाबा कर रहे थे। तुम्हारी हल्की सी नजर इधर से उधर होती थी ना तो बोर्ड से गोटियां ही गायब हो जाती। यार अब वो अंकल ऑर्डर करते थे तो मैं मना तो नहीं कर सकता ना उनकी बात को। अच्छा, तुम तो जैसे बड़े मासूम हो। मासूम तो मैं हूँ लेकिन स्मार्ट। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना कल? जाना है, क्यों? तो काफी लेट हो गया, सोना नहीं है तुम्हें? हाँ तो तुम भी तो जाग रही हो। मैं तो शुरू से ही देर तक जागती हूँ। आज मैं भी जाग लेता हूँ। क्यों? यार मजा आ रहा है ना गप्पे मारने में। बातें करते हैं। कशान, कशान उठेंगे फिर? फिर तबीयत बहुत खराब हो रही है। भाभी, भाभी, भाभी आप इस वक्त आप क्या हुआ है? भाभी आप ठीक हैं? भाभी तबीयत ठीक, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी पी, पानी पी, पानी पी। मुझे बताएं तो उसे हुआ क्या आपको? जब से पीर साहब की दवा खाई है जाए यही हालत हो रही है, बेचैनी क्या आ रही है। आपसे कहा किसने ये पीर की दवा लेने को? आप अपने हाथ से दवा दे रही हैं जाहिर,
बताया उनको भी, फूफो को भी। वो कह रहे हैं बर्दाश्त करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। काशन भाई को क्यों नहीं सिखाया, उन्हें क्यों नहीं बताया? कोई फायदा नहीं उनको बताने का भी, वो वही कहेंगे कि जो आपा कह रही हैं वही करो, कोई फायदा नहीं है। भाभी प्लीज संभाले खुद को, हिम्मत से काम ले। कोई और होना हो लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अब प्लीज फॉरगॉड से कि पीर की दी हुई कोई भी दबाव नहीं खानी। काशन भाई से मैं खुद बात करूंगा। भाभी आप पानी पिए। मैं लिख तुम्हारी कंफ्यूजन अभी तक है? मुझे कल अर्ली ऑफिस जाना है। वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो। क्या बात है बेटा, आज तुम ऑफिस नहीं गई? जी रात को सही से सो नहीं पाई और काफी दिन से ऑफ भी नहीं लिया था, तो सोचा आज रेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा किया। क्या सोचा है असद के प्रपोजल के बारे में? कुछ नहीं। क्यों? अच्छा है बेटा, तुम उसके प्रपोजल से इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? अपनी माँ से नहीं शेयर करोगे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि असद के लिए हाँ करनी चाहिए या ना। असद बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। और ऐसे इंसान से रिश्ता बना के क्या करना जिस पे दिल ही राजी ना हो? दिल तो राजी हो जाता है बेटा, जब इंसान मुस्कुराता है उसे खुशी मिलती है। माना कि तुम्हें अभी असद पसंद नहीं है, लेकिन उसे ना करने की वजह भी तो समझ में नहीं आ रही। देखो बेटा, वो वेल सेटल है, अच्छी फैमिली है, और सबसे बढ़कर वो तुम्हें पसंद करता है। और जहाँ ये सब कुछ हो अभी ना सही, आगे चलकर शायद तुम्हारा दिल मुतमिन हो जाए और यकीनन तुम्हें लगेगा कि तुमने ठीक फैसला किया है। और अगर मेरी मानो ना तो उसे हाँ कह दो। सोचने के लिए अभी बहुत वक्त पड़ा है, और जब तक शादी का वक्त आएगा ना तुम्हारा दिल मुतमिन हो जाएगा। ज़ाहिर, क्या हुआ? अभी तक जाग रहे हो? आपका इंतजार कर रहा था, जरूरी बात कर ली आपसे। सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है, कहाँ खैरियत है भाई। आपको वाकई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा आपको? क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ज़ारा भाभी की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ ज़ारा को? सारा भाभी के साथ ज्यादती हो रही है इस घर में, सबके आंखों के सामने उनके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। ठीक तो है साहब? कहाँ ठीक है यार, वो कहाँ ठीक है। जब से इस घर में आई है उनका चेहरा उतर गया, पर ये फ्रॉडिया पीर पता नहीं उन्हें क्या खाने पीने को देता रहता है, उनकी तबीयत इतनी खराब रहती है। ये पीर एकदम क्या बोल रहे हो तुम? पीर साहब के लिए बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो। खुदा का खौफ है इसीलिए कह रहा हूं,
इसीलिए कह रहा हूँ ये सब सिर्फ मेरे अल्लाह के अख्तियार में, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये सब तमाशे क्यों लगाए हुए? आप जानते हैं कल भाभी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी, पता नहीं क्या जड़ी बूटियां उनको खिला रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है यार? उनकी जिंदगी के साथ इस तरह खेलने का कोई हक नहीं। सारा ने मुझे क्यों नहीं बताया? आपको इसलिए नहीं बताया कि उन्हें लगता है कि आपको बताने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। टूट चुकी है, आपके सहारे की जरूरत है। प्लीज देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, पीर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं ना मेरे और जारा की भलाई के लिए। नहीं भाई नहीं, बस और हाँ, गलती से भी इस तरह की बात आपा के सामने मत करना। जारा से बात करता हूं, समझाऊंगा उसे। क्या हुआ, तबीयत खराब है तुम्हारी? बुखार हो रहा है क्या? नहीं, पीर साहब की दवा खा के मेरी तबीयत बहुत खराब होती है, मुझे बेचैनी होती है। मैं आपा और पापा से कह देता हूँ कि पीर साहब को कह के तुम्हारी दवाएं बदलवा दें। बल्कि तुम एक काम करो, तुम पीर साहब की तरफ चली जाना, वो तुम्हारी दवाएं बदल देंगे, वो जानते हैं सब कुछ, बेहतर करेंगे तुम्हारे लिए। जी आपा, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? आप बैठो। क्या बात है, बहुत देर से आने लगे हो ऑफिस से? अब कुछ मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, बॉस नहीं है ना मेरे। कहाँ गया तुम्हारे बॉस? रिजाइन करके चले गए, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है जब तक नए बॉस नहीं आते। काशान, घर पर भी तवज्जो दो, जाहिर के बारे में सोचो, उसकी शादी करनी है तो सिर्फ वक्त ही बर्बाद कर रहा है। पापा मैं क्या सोचूं? हाँ भी देख लीजिए कुछ। जानती हूँ ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। कोई बात करनी है क्या? पापा वो जारा के बारे में बात करनी थी आपसे। पापा वो जारा ना शिकायत कर रही थी कि पीर साहब ने जो जड़ी बूटियां दी हैं उसकी तकलीफ हो रही है, उसे तबीयत सही नहीं रहती और सूट नहीं कर रही है उसे, तो वो चाहती है कि आप पीर साहब से कह के अगर दवाएं बदलवा दें। कोई फरमाइशी प्रोग्राम लगा हुआ है क्या? ये दवा लेनी है, वो नहीं चाहिए, वो बदलवा दें। अमल आसान नहीं होता और दवा है ऐसा वैसा जायका बर्दाश्त करना पड़ता है। औलाद के लिए कुछ तो बर्दाश्त होनी चाहिए इंसान में, और इस लड़की के तो नखरे खत्म नहीं होते। मैं तो पहले ही नाउमीद थी इसको डॉक्टर्स के पास ले जा जाके, अब
पीरी फकीरी का अमल करवाया है तो उस पर भी एतराज है। पापा मैं बता रही हूं काशा, ये लड़की औलाद नहीं चाहती। भाई नियत भी कोई चीज होती है, तभी खुदा देता है। पापा आप जैसा कर रही है ना वैसा करती रहे, मैं समझा दूंगा सारा। बस तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। जी तुम नाश्ता कर लो जाके। बेटा तुमने असद के बारे में क्या सोचा है? हमें उन्हें जवाब देना है। अगर आपको और बाबा को यही बेहतर लगता है तो आपने हाँ कह दे। शाबाश। सुबैर ये तारीखी म्यूजिक तो बंद करें आप। अरे ये क्या एक्सप्रेस ट्रेन की तरह धनधनाती आई और ठा करके मार दिया, क्या हुआ? सहम मान गई है। क्या मान गई है? अरे उसने शादी के लिए हाँ कर दी, उसे कोई एतराज नहीं है। असद से? मैं अभी अभी उससे पूछ कर आई, उसे कोई एतराज नहीं है। सहम तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सोच लो। आप लोग खुश हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। क्या पक्की बात है? ये खुश है तभी तो उसने हाँ की है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आज सुबह मुझे इतनी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं आप दोनों का मुंह मीठा करवा दूं और उसके बाद मैं गजाला को फोन करूंगी, वो भी मेरी तरह बहुत खुश होगी। You know, you can talk to me. मैं जाऊं? जी वो मैंने आपको ईमेल भेज दी है, उसे चेक कर लें तो मुझे बता दें। ओके ठीक है जी, थैंक यू। कहाँ चल रही है भाई? यार बस थक गया, अब और नहीं हो रहा, बाकी कल करेंगे। रात का क्या प्लान है? यार सब फात घर पे जमा हो रहे, लेट नाइट का सीन है। ठीक है मैं आ जाऊंगा। यार एक बात तो बताओ, तुम पूरी पूरी रात गायब रहते हो, तुम्हारी बीवी तुमसे शिकायत नहीं करती? नहीं। क्यों यार, तुम एक शादीशुदा आदमी हो, घर जाते होगे 500 मसले मुंह खोले खड़े होते हैं, पर एक तुम हो बिल्कुल रिलैक्स। सारा दिन ऑफिस में इतनी मेहनत करता हूँ, सर खपाता हूँ, घर जाके घर के मसाइल तो नहीं देख सकता। यार फिर भी तुम तो वीकेंड भी हम दोस्तों में गुजार देते हो, कभी भाभी को भी बाहर ले जाएगा। ज़ारा बहुत अच्छी है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते अपने घर चली जाती है, उन्हीं लोगों के साथ कोई प्लान बना लेती है, घूम फिर के आ जाती है, तंग नहीं करती मुझे। वाह यार क्या अंडरस्टैंडिंग वाली बीवी मिली है, काश मेरे नसीब में भी ऐसी ही लिखी हो। नसीब वाले हो तुम, बैचलर हो, इस लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हारी लाइफ किसी बैचलर से कम नहीं है। एक घंटे में पिक करता हूँ। ठीक है आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। लेकिन इस मौसम में आइसक्रीम खाने की क्या तुक बनती है? क्यों क्या हुआ मौसम को? ठीक तो है मौसम, मौसम इज ऑसम। मौसम बदल रहा है क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा? अरे तो मौसम बदल रहा है तो बदलने दो ना, हम क्यों बदले, हम तो आइसक्रीम खाएंगे।
बदलते मौसम में ये सब चीजें नुकसान करती हैं जाहिर। फिनाइल तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? मेरी दोस्ती बनना था तुमने। पता नहीं कोई कजन होगा। मैं तो इनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ लेकिन इस कजन को तो मैं नहीं जानती। जाए देखो तुम अपनी मोहब्बत का इजहार करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो? ऐसे ना तुम्हारी मोहब्बत दिल में ही रह जाए और वो उसे लेकर उड़न छू हो जाए।